कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे थे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में हम भलोल खान लोधी पढ़ चुके थे। हमने देख लिया था वो कैसा शासक था, वो जो अपने आमिर्स थे उनको चाय सर्व करता था, चावल सर्व करता था, उनको घोड़े पे से उतारता था, मतलब उनको वेलकम करता था। तो वो उसको अपने क्या बोलते थे कि जितने भी अफगान है वो सबने समान है और वो सम्मान में सबसे फर्स्ट नंबर का है, मतलब वो प्रथम है और बाकी सब समान है। इसलिए वो ना तो सिंहासन का जो यूज करता था, ना ही वो किसी भी चीज का ऐसे घमंड रखता था कि वो राजा है। उसने बिल्कुल जो एक राजा की एक रेपुटेशन होती है ना, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया था। क्योंकि उसके आमिर इज्जत नहीं करते थे। कोई भी आता था उसका चाय पकड़ाना, कोई ये आता, ऐसे आमिर जो थे सब उनके डिसरिस्पेक्ट करने लगे। अब भलोल खान लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी अपने पापा की बहुत रेस्पेक्ट करता था और वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था। पर वो एक बात से हमेशा पापा बेटे में लड़ाई होती। किस बात को लेके? वो कहता था पापा आप राजा हो यार, सुल्तान हो आप। तो एक सुल्तान की एक मतलब क्या कहते हैं उसको, औरा तो बना के रखो, उसके रेपुटेशन तो बना के रखो। आपने तो बिल्कुल ही इसको ऐसा कर दिया है कि ना तो कोई इज्जत करता ना कोई मतलब। तो फिर भलोल खान लोधी बोला देख मैं तो ऐसे ही शासन करूंगा, मैं चाहता हूँ सब हम सब मिलके रहे। अब तू जाके तेरे को जैसा शासन करना तो वैसा करना, मेरे मरने के बाद तू राजा बनेगा तो तेरे को जैसा करना तू वैसा करना, ठीक है भैया। फिर भलोल खान लोधी की हो जाती मृत्यु। उसके बाद में कौन बनता राजा? उसके बाद में राजा बनता है सिकंदर लोधी। क्या टाइम पीरियड है? 1489 से 1517 AD। फिर ये बनता, जब ये इसका राज्याभिषेक होता होने वाला होता है तो ये अपने आमिर्स को बुलाता है, जो जो इसके जो मतलब सपोर्ट के लोग होते हैं उनको बुलाता है। बोलते हैं मेरा जब वो राज्याभिषेक होगा ना तो वहाँ पहले से सिंहासन मतलब मंगवा के रखना, सिंहासन पे बैठ के और राज्याभिषेक करवाऊंगा, ठीक है। और उसने बोला और तुम सब नजर रखना, जितने भी आमिर वगैरह सब पे नजर रखना कि कौन कैसा सोच रहा है उस टाइम, मतलब कौन अपने सपोर्ट में है कौन अपने सपोर्ट में नहीं है। तो उसने सोचा था दो ग्रुप बनेंगे, एक तो सपोर्ट में होंगे और एक सपोर्ट में नहीं होंगे। और ग्रुप कितने बने? ग्रुप बने तीन। एक तो जो बने जो बिल्कुल सपोर्ट में है, जो सोचते थे हाँ यार ये सुल्तान है तो इसको ये इतना डिजर्व करता है कि ये सिंहासन पर बैठे, ये इतनी इज्जत तो रेस्पेक्ट और इज्जत तो ये डिजर्व करता है। तो पहले तो ये होगा। दूसरे क्या थे? दूसरे ये थे कि ये कल का छोरा हम पे राज करेगा, वो हमारे सामने सिंहासन पे बैठेगा, तो ये विरोधी हो गए। और तीसरे ये हो गए थे तू भले सिंहासन पे बैठ, तू चाहे कालीन पे बैठ, हमें कोई मतलब को नहीं, तू राज तू सुल्तान बन गया ठीक है। तो ये उनको न्यूट्रल थे ना, तो उनको बैठने से फर्क पड़ता ना उनको नहीं बैठने से फर्क पड़ता। तो तीन ग्रुप बन गए थे, जो सपोर्ट में थे वो सपोर्ट में रहे, जो विरोधी थे वो विरोधी में रहे और जो न्यूट्रल थे वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले इसने सबसे पहले स्टार्ट क्या किया था, मतलब थ्रोन का यूज करना वापस स्टार्ट किया था, मतलब सिंहासन का जो वो था इसने वापस चालू किया था। इसके बाद में इसने सुल्तान की पोस्ट की एक डिग्निटी होती है, एक रेपुटेशन होती है, वो इसने वापस लाया था, इसको वापस लाया था। इसने कौन लाया था? सिकंदर लोधी। तो ये भलोल खान लोधी तो खो चुका था, इसको वापस एक रेपुटेशन में लाने का वाला कौन था? वो था सिकंदर लोधी। इसके बाद में अब इसको ना गाने का बहुत शौक था, मतलब संगीत का बहुत शौक था इसको, पर इसको शौक था पर इसने ना हुक्म दे रखा था कि जो वो क्या कहते हैं म्यूजिक है वो बैन। फिर आपने कहा डबल स्टेटमेंट होगी, तो अभी आप बोल रहे हो कि उसका फेवरेट था सॉन्ग सुनना, अब आप बोल रहे हो कि ये तो उसके वो है। हाँ क्यों है? इसने कभी कोई ऑफिशियली ना तो कोई लेटर निकलवाया ये चीज का कि आप गाना बजाने पे पाबंद है, ऐसा कुछ इसने कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से बोलने वाले टोन में बोलता था, क्योंकि जब एक गाने की आवाज सुनता था कान तो इसके ऑटोमेटिक पैर ना वाइब्रेट होने लग जाते और हाथ भी वाइब्रेट होने चाहते। अब अवन अभी सुनता अपना वो फेवरेट गाना का चल रहा हो तो वो अंदर से डांस निकलता है, अंदर से डांस आता है कि हाँ नाचना है नाचना है नाचना। तो वैसे सिकंदर लोधी को डांस मतलब गाना बजाना बहुत पसंद था, तो जैसे वो सुनता था तो वो
नाचने लग जाता था। तो उसने ये ऑफिशियली कभी नहीं किया कि बैन है, उसने ये बोला हमेशा कि जैसे उसको कोई, वो सुल्तान है, कोई अपने घर पे कोई फंक्शन है, शादी है, उसमें बुला रहा है, तो वो बोलता था जब मैं आऊँ ना तब तब तक के लिए ये गाना बजाना बंद कर देना, फिर मैं चला जाऊँ तो फिर आप वापस स्टार्ट कर देंगे। क्यों कि यही तो दिक्कत है, गाना सुनते ही तो मेरा नागिन डांस निकलता है, और जब आप एक सुल्तान बनते हो तो उसके साथ में जिम्मेदारी आ जाती है, एक रेपुटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो डीएम एसडीएम बनेंगे, अभी आप किसी की भी शादी में जाके कैसा भी नाच लेते हो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जब आप डीएम या एसडीएम बन जाओगे फिर आप किसी की शादी में जाओगे, फिर हमारे जाकर नागिन डांस तो करोगे नहीं। और आजकल तो जैसे ही नागिन डांस चालू होता है और उनको दिख गया कि अरे ये तो डीएम साहब है, ये तो डीएम मैडम है, ये तो नाच रही है, ऐसे नाच रहे हैं तो सब सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल निकालेंगे, वीडियो बनाएंगे कि मेरे चाचा की शादी में, मेरे भैया की शादी में, मेरी दीदी की शादी में डीएम साहब या डीएम मैम ऐसे डांस कर रही थी, और उसको तुरंत वायरल कर, 2-3 घंटे में तो वीडियो वायरल हो जाती, और फिर जो बेइज्जती होती है वो अलग। इसलिए एक एक जो प्रोटोकॉल होता है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये सुल्तान बन गया था, अभी सुल्तान बनने वाले हर किसी के गले में जाकर तो नाच नहीं सकता, इसलिए इसने ना अपना पर्सनल फार्म हाउस बनवा रखा था, जिसके खास दोस्त वगैरह थे ये सब जाते हैं, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था करवाता है डांस वगैरह की, म्यूजिक वगैरह की, फिर वहाँ पर आराम से पीता खाता और अपना डांस करता, नागिन डांस करता, कोई नहीं देख रहा, कोई अपना अकेले बंद कमरे में कुछ भी कर रही है, ये ऐसे करता था। म्यूजिक इसने बैन नहीं करवाया था, बस इसने ये बोला था कि म्यूजिक नहीं चलना चाहिए जब तक मैं यहाँ हूँ। और फिर ये कविताएं लिखा करता था, कविताएं, और ये कविता अपने नाम से नहीं लिखा करता था। आज भी देखा होगा आपने बहुत से लोग अपने नाम से नहीं कविता लिखते, सब निकनेम से लिखते हैं, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन, उनका नाम है हरिवंश राय, बच्चन उनका सरनेम नहीं है, वो बच्चन नाम से कविता लिखा करता था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके वो जो बच्चन है वो अपना सरनेम था, बच्चन कोई सरनेम नहीं होता, वो एक उनकी उनका निकनेम था। तो वैसे ये निकनेम से लिखता था, क्या ना निकनेम था इसका, गुलरुखी। अब गुलरुखी का मतलब क्या होता है, गुलाबी गाल, अब इसका भी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों था गुलाबी गाल। फिर इसने एक सिटी बसाई, कौन सी सिटी बसाई थी, आगरा, कब बसाई थी, 1504 में, और उसको फिर कैपिटल बना लिया था, कब बनाया था, 1506 में। अब इसने ये सिटी ऑलरेडी वहाँ थी, पर इसने उसको ढंग से थोड़ा रिपेयर वगैरह करवा के उसने पूरा उसको सही कर दिया, मतलब रहने लायक बनवा दिया था, तो इसलिए बोलते हमने कि सिकंदर लोधी ने आगरा सिटी बसाई थी। अब इसने क्यों बसाई थी, ये कंट्रोल कर सके लखनऊ वगैरह को, ये कंट्रोल कर सके ग्वालियर वगैरह को कंट्रोल कर सके, इसने इसमें एक सिटी बसा ली, किस नाम से बसा ली, आगरा के नाम से, फिर इसने उसी को कैपिटल बना लिया, कैपिटल बना। और जो ये है, ये पहला सुल्तान है जो खुम्स में हिस्सा नहीं लिया करता था। अब खुम्स क्या होता है, मैंने बताया था, जो लूट पाल, जो लूट मार का माल होता है वो उसका क्या रेशियो होता होता है बटने का, 20% तो सुल्तान को मिलता है और 80% आर्मी को मिलता है। जब अलाउद्दीन खिलजी था तो उसने क्या कर दिया था, 80% सुल्तान को मिलेगा, 20% मिलेगा सैनिकों को, मतलब आर्मी को। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो तनख्वाह दे रहे थे, जब तनख्वाह नहीं मिलती थी तब 80% तो मिलता था आर्मी को और 20% मिलता था राजा को, और जब तनख्वाह मिलती थी तब 80% राजा लेता था, 20% आर्मी लेती। पर सिकंदर लोधी ने कोई भी बोला मुझे 20% भी नहीं चाहिए, तो इसने खुम्स में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया, ही डिड नॉट टेक खुम्स। जब इसने खुम्स में हिस्सा नहीं लिया फिर इसने क्या चलाया था, फिर इसने चलाया था सिकंदरी गच यानी यार्ड। अब आजकल भी आज भी हम कोई जमीन लेने जाते हैं तो उसको हम गज में नापते हैं, तो इसने अपना गज बनाया था, किस नाम से बनाया था, सिकंदरी गज। जब हम आगे शहनशाह सूरी पढ़ेंगे, शहनशाह सूरी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सिकंदरी गज क्या है, वो हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। फिर इसने एक टैक्स को हटाया था, किस टैक्स को हटाया था, चुंगी टैक्स। आज भी आपने कभी कोई नाम सुने होंगे चुंगी नाका, अब तो ऐसा कुछ टैक्स रहता नहीं है, अब तो एक लैंडमार्क बन गया है कि चुंगी नाका, तो ये चुंगी टैक्स हटा दिया था। अब किस पे लगा करता था, ये दूध दही
या ग्रेन्स सब्जी, ये कहता है खाने की पीने की चीजों पे टैक्स नहीं लूंगा मैं, तो इसने हटा दिया था। किसको हटा दिया था? ग्रेन्स पैसे टैक्स हटा दिया था। कौन सा टैक्स था? चुंगी टैक्स। फिर इसका जो फेवरेट जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, मैंने बताया था इसको संगीत का कितना शौक था, तो इसका जो फेवरेट था वो कौन सा था? शहनाई। इसको शहनाई बहुत पसंद थी। जैसे ही शहनाई बजती थी तो ये नागिन डांस करता था। कैसे डांस करता था? नागिन डांस करता था। इसका फेवरेट क्या इंस्ट्रूमेंट था? शहनाई। इसके बाद में इसने म्यूजिक पे एक किताब को मतलब लिखवाई थी। कौन सी किताब थी वो? लजत ए सिकंदर शाही। लजत ए सिकंदर शाही वो किसमें लिखाई थी? पर्शियन में उसका ट्रांसलेशन करवाया था। वो किससे थी? वो म्यूजिक लिटरेचर की किताब थी। क्या नाम था किताब का? लजत ए सिकंदर शाही। किसमें करवाया था? पर्शियन ट्रांसलेशन करवाया था। और उसकी कौन सी किताब थी? ये थी म्यूजिक लिटरेचर की। फिर इसने एक और करवाई थी, एक और बुक करवाई थी पर्शियन में ट्रांसलेट। क्या नाम था उसका? फरग ए सिकंदर शाही। अब ये किसकी बुक थी? ये आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक की बुक। वही पर्सन को भी पर्शियन लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। अगर पूरे सल्तनत में वो सबसे सुंदर राजा है, वो सुल्तान हुआ तो वो सिकंदर हुआ था, और सबसे बद्दा अगर कोई हुआ तो वो था बलवंत। सबसे सुंदर था ये, तो अब जो सुंदर होता है अब सब उनकी तारीफें करते थे। सर आज तो आप क्या लग रहे हो, सर आप क्या लग रहे हो, आज कितने सुंदर लग रहे हो, आप कितने हैंडसम लग रहे हो, सब इसकी प्रशंसा करते थे। अब दिन पर दिन एज भी बड़ी होती है, तो जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं तो अपनी बॉडी में डेवलपमेंट भी होते हैं, सब कुछ चेंज होता है। तो अब इन्हें इतने धीरे धीरे करके ना अभी आयुर्वेदा की बुक पढ़ता लगा, दिन भर आयुर्वेदिक की बुक पढ़ता था। उसमें क्या पढ़ता था? ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल हों काले, ऐसा क्या करें जिससे हमारे बाल कभी सफेद ना हों, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा जो स्किन है वो ग्लो करे, हम कभी बूढ़े ना हों। तो ये सब पढ़ता था, मतलब ब्यूटी टिप्स पढ़ता था। किसमें पढ़ता था? आयुर्वेदिक में। फिर इसने किताबें लिखवा दी। किस नाम से लिखवाई थी? पर है सिकंदर शाही, वो सबसे सुंदर था ये सिकंदर लोदी। अब हम इसके पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी। सेम हमने फिरोज तुगलक के पढ़े थे, तो उसकी जो मदर थी वो थी हिंदू थी, तो इसकी भी मदर क्या थी? हिंदू थी। अब इसने अपने किसी आमिर को बुलाया कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि जिनकी माँ हिंदू थी तो वो जो आमिर वगैरह होते थे बाकी लोग थे वो समझते थे कि ये पता नहीं कोई पक्षपात तो नहीं करेगा ना, और वो कौन से जो कट्टर लोग होते ना वो ये कहते थे कि ना ये पक्षपात तो नहीं करेगा ना, इसलिए सबके मन में एक डाउट सा रहता था। फिर इसने कहा क्या करें? तो फिर उसने कहा था फिरोज की माँ भी, तो उसने कहा फिरोज ने क्या क्या किया था ऐसा? तो उसने कहा था पहले तो उसने जो ब्राह्मण थे उन पर जजिया लगवाया था, उसने ज्वाला देवी मंदिर को मतलब लूटा था, और जगन्नाथपुरी टेम्पल को भी लूटा था। उसने कहा अब सेम तो नहीं करते, क्योंकि जो ब्राह्मण थे तो वो ऑलरेडी टैक्स तो लगा ही हुआ है, तो अपन उसमें कुछ नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। तो उसने क्या था, एक काम करो सबसे पहले जाओ तुम जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है उसको लूटो, और ज्वाला देवी मंदिर को भी लूटो, और फिर जब आओ ना तुम तो ज्वाला देवी मंदिर से ना माँ की जो माता की मूर्ति है ना वो लेके आना, वो ला के यहाँ पे कसाईयों में दे देना, तो वहां पे वो मीट मछली जो होती है वो काटने के काम में लेंगे। तो फिर किसी ने बोला सर वहां पे मूर्ति नहीं होती है, वो पहाड़ में से एक ज्वाला निकल रही है उसी की पूजा करते हैं, वहां मूर्ति नहीं। तो फिर सिकंदर बोलता है कि इनको क्या पता है कि वहां मूर्ति है या नहीं, तुम तो रास्ते में से आते वक्त कोई भाटा उठा ला ना और वो तोड़ तोड़ के बांट देना सबको। हाँ चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे। तो फिर इसने जगन्नाथपुरी मंदिर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, और डिस्ट्रॉय कर दिया था ज्वाला देवी मंदिर को, कहाँ का है? कांगड़ा का। और जब वहां से लौट रहे थे तो मैंने बताया था इसने वहां की मूर्ति के पीसेस, मूर्ति नहीं होती थी, वो रास्ते में से भाटा उठा के लाया था, उसको काट काट के इसने बांट दिया था। किसको बांटा था? कसाईयों को। उसको हम इंग्लिश में बोलते गुटकर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड पीसेस ऑफ आइडल ऑफ ज्वाला देवी अमंग कसाईयों को। इसके बाद में इसने अपने दरबार में एक मतलब पंडित या ब्राह्मण को बुलाया, तो उन्होंने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बोले हाँ पूछो। कि आप बताओ कि सबसे अच्छा धर्म कौन सा है? उन्होंने बोला सबसे अच्छा धर्म जो है वो मानवता है। तो नहीं नहीं ऐसे नहीं बस सकते, आप ये बताओ हिंदू धर्म अच्छा है या मुस्लिम धर्म अच्छा है? क्योंकि दोनों ही धर्म अच्छे हैं, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, दोनों धर्म अच्छे हैं। क्योंकि नहीं नहीं आपको एक बताना पड़ेगा। तो फिर जो ब्राह्मण है वो बोलते हैं कि दोनों ही धर्म अच्छे हैं। तो फिर सिकंदर बोलता है नहीं आपको एक बताना पड़ेगा, अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको मरवा दूंगा। तो उन्होंने बोला मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हो,
लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। बस हाँ, अगर आप यही सुनना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हमारा धर्म अच्छा। ये सुनते ही सिकंदर लोधी ने उनकी हत्या करवा दी, जो ब्राह्मण थे उनकी हत्या करवा दी, उनको उनको दे दी डेथ पेनल्टी टू ब्राह्मण, बिकॉज ही से ऑल रिलीजन आर इक्वल। उन्होंने बोल दिया था सारे जो धर्म है समान है, फिर बाद में उन्होंने बोल दिया था कि हमारा अच्छा है, इसलिए उन्होंने उसको डेथ पेनल्टी दे दी थी। उसके बाद में उन्होंने सिकंदर लोधी ने क्या किया था, जो औरतें होती थी मतलब वुमेन्स को मना कर दिया था कहाँ जाने के लिए, टॉम मतलब जो मजारे होती है वहां पे आप नहीं जा सकते, वहां प्रतिबंध लगा दिया था, या वहां पे नहीं जाते मतलब जो ग्रेवयार्ड होती है मतलब वही जहाँ पे अपन दफनाते हैं टॉम, तो वहां पे हम नहीं जा सकते, तो उन्होंने उसको प्रतिबंध लगा दिया था टू गोइंग टू द टॉम। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी से जो आमिर थे ना, वो बहुत बुरी खार खाते थे। क्यों खार खा रहे थे? सिकंदर लोधी ने अपने बेटे को सिखाया था, मतलब इब्राहिम लोधी को सिखाया था कि जो सत्ता चलाते ना उसको हम बहुत सॉफ्टली नहीं चला सकते, तुमको उस पर ना बहुत कड़क हो गए तो हमें सख्त होकर सत्ता चलानी पड़ेगी, तो इसलिए ऐसे ही करता था। इससे आमिर खुश नहीं होते थे, सब आमिर इसके विरोध हो गए मतलब विरोधी हो गए थे। अब इसमें ये लास्ट किंग है लोधी डायनेस्टी का और सल्तनत एरा का भी ये लास्ट किंग है। इसके बाद में सल्तनत एरा हो जाता है खत्म, फिर आएगा मुगल एरा। तो ये लास्ट किंग है लोधी डायनेस्टी का भी और दिल्ली सल्तनत का। इसके बाद में इसका एक युद्ध होता है राणा सांगा से, ये राणा सांगा इसको डिफीट कर देता है इब्राहिम लोधी को। कौन सा होता है? बैटल ऑफ गढ़ोड़ी। गढ़ोड़ी का जो युद्ध होता है कौन से सन में होता है? वो होता है 1518 एडी में। और जो राणा सांगा होता है वो इसको डिफीट कर देता है और इसको हरा देता है। इसका हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राजस्थान हिस्ट्री में, चल रही है राजस्थान हिस्ट्री, 2-3 दिन बाद राणा सांगा पढ़ेंगे अपन। अभी हम मुकल तक पहुंचे हैं तो मुकल पढ़ेंगे अभी हम कल, फिर 2-3 दिन में आपको राणा सांगा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में जो इसके अंकल थे मतलब इब्राहिम के अंकल थे दौलत खान लोधी और अमीन खान लोधी, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ इंडिया, बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ इंडिया। फिर बाबर आया इंडिया, इंडिया आने के बाद पंजाब में दौलत खान लोधी ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, पूरी बात बात समझी क्या है। फिर जब दिल्ली पे आक्रमण करने का तो दौलत खान लोधी ने बोला हाँ सर सब तैयार है, आप टेंशन मत लो हम सब जीत जाएंगे। तो बाबा बोलता है 1 मिनट, तू क्या जीतेगा, मैं तो वैसे जीत जाऊंगा, तू किसी का सगा तो है नहीं, तो तू मेरा भी क्या सगा हो, तू अपने भतीजे का तो सगा हुआ नहीं, तूने उसके खिलाफ मुझे बुलाया लड़ने के लिए कि उसको मरवाने के लिए, तू मेरा क्या सगा होगा। इसलिए बाबर दौलत खान लोधी इनके बेटे इनके जो जितने भी सारा परिवार होता है सबको मरवा देता है बाबर। इसके बाद में बाबर करता है अटैक, कहाँ पे करता है? दिल्ली पे। फिर युद्ध होता है पानीपत का, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, हमें पढ़ेंगे बाबर में। तो बस इससे होती सल्तनत भी खत्म। सल्तनत एरा जितना भी हमने 5 डायनेस्टी चीज देखी, कौन कौन सी देखी थी हमने? हमने सबसे पहले देखी थी स्लेव डायनेस्टी, फिर देखी थी हमने खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद देखी थी तुगलक, सैयद एंड लोधी। तो वो सारी जो डायनेस्टीज है वो समाप्त हो चुकी है। हम कल पढ़ेंगे इन सारी जो 5 डायनेस्टीज है इनका आर्ट एंड कल्चर, कि इन्होंने आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया, मतलब कि क्या क्या बनवाया, क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, टॉम कौन कौन से बनवाए, कौन कौन से सिटीज बनवाए, वो सब हम पढ़ेंगे। 2 वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मुगल एरा। मुगल एरा में बाबर से स्टार्ट करेंगे, तो वो पहले तो इसका जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखेंगे। तो बस ये था लोधी डायनेस्टी और इसके साथ साथ पूरा सल्तनत एरा जो होता है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हिमांशु। और जो नोट्स हैं वो सारे मैं अपलोड करवा चुकी हूँ लोधी, मतलब यहाँ तक मैं करा चुकी हूँ, मतलब लोधी जो डायनेस्टीज है वहाँ तक हम सब करा चुके। लोधी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी के अभी मैंने 2 दिन पहले ही करवाया तो आपको वहां से मिल जाएंगे जिसने नहीं लिए होंगे, और बाकी तो आते रहेंगे और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।